यह में हम लोग का यह में तो बहुत बड़ा पानी आया था, पूरा घर सर डूब गया, आधा पूरा सामान तमान सब बर्तन बासन सब ले गया। आज के लिए तो पूरा चावल तावल भी हम लोग स्टक करके रखा था, वो भी नहीं है। पूरा पानी आके पूरा लेके चला गया, घर सर पूरा आधा डूब गया, पूरा लेटिंग बाथरूम भी पूरा बर्बाद हो गया। और बच्चा 3-4 बच्चा भी अभी खाने के लिए भी अभी कुछ भी नहीं है, अभी दुकान जाने के लिए भी रास्ता पूरा हम लोग का इधर बंद हो गया। पूरा पानी लकड़ी सकड़ी पूरा आके नदी में पूरा पानी बर्बाद कर दिया। और हम लोग ये बकरी भी गाय साय कुछ गावरी सावरी पला था, वो लोग को भी पूरा लेके चला गया। अभी हम लोग का पास कुछ भी नहीं है, अभी क्या करेगा। हम लोग को कोई मदद करने वाला होगा तो ज़रूर हम लोग अच्छा पाएंगे, ज़रूर हम लोग गवर्नमेंट को भी साथ देंगे। हम लोग को ऐसा तकलीफ में मदद किया है बोल के हम लोग कुछ बाद में भी मदद देंगे। हम लोग के लिए कुछ उतार उतार चाहिए तो कुछ बोट मारने के लिए बोलेगा तो हम लोग मदद करेगा तो बोल देंगे। या 3-4 घर था यहाँ में पानी का, बीच में पूरा पानी इतना तक आ गया था, हम लोग का घर का अंदर में पानी इतना पास भी तक आ गया था। हम लोग का पूरा घर का अंदर में लकड़ी जमा हो गया, पूरा बर्बाद हो गया, खाने का चावल भी पूरा सब बीस गया, बक्सा का अंदर में तुरा मोरा ये पिन्ने का ये माइकी का एक तो दक्षरी भी था, सोना भी था, वो भी पूरा बर्बाद हो गया। उसको भी अभी ढूंढ के नहीं मिल रहा, अभी क्या करेगा हम लोग। रात को 2 बजे बारिश शुरू हुआ है, 2 बजे को सोने के बाद पूरा इधर से नदी से पानी आया है, ऊपर से ब्लॉक यार से आया है, ऐसा है कि पूरा घर का अंदर घुस गया है, चारपाई का ऊपर उठ गया, उसके बाद गैस शेष किया गया, कपड़ा सपड़ा सब बेडिंग सब पूरा बेच गया। ये बहुत दुख का चीज़ है। यह हमारा मोदी रिजो में जो आज रात को इतना यह फ्लड हुआ, सारा गौर का डिस्ट्रेट हो गया, सारा छमन डिस्ट्रेट हो गया, जितना जो गौर बारी है ये कुछ हम लोग बहुत मुश्किल पर है। ये गवर्नमेंट अरुणाचल गवर्नमेंट जो है हमारा मोदी रिजो का जो जितना प्लॉट डैमेज किया उसको थोड़ा मेहरबानी करके हम लोग को थोड़ा ये मोदी रिजो विलेज का थोड़ा दिखने से बहुत हम अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट जो है जैसे भी हमारा जो मोदी रिजो को जैसे भी हेल्प कीजिए, गवर्नमेंट का तरफ से मदद कीजिए, जो हम उन व्याम में ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आज सुबह 4 बजे हमारे ये मोदी रिजो में कुछ लगभग चार दिन जैसे बारिश हुआ था, आज सुबह ऐसा घटना आया है कि ये ऊपर साइड से इतना प्लॉट आया है, जितना ये घर डैमेज हो गया और गौरी मुर्गी और जितना यहाँ आप देखिए ये घर डैमेज हो गया और ये ऊपर साइड से 3 आदमी डेड हो गया, दो एक मिला है और दो नहीं मिला है अभी तक। मैया में दो नदी है ना, दो नदी में एक साथ आ गया ना, उसके आने के बाद हम लोग नहीं सोए, रात हम 2 बजे तक सो नहीं सोआ था ना, उसके बाद में हम लोग थोड़ा लेट सो गया ना, 5 बजे में तो नदी आ गया, हम लोग मालूम नहीं, मेरा पूरा घर चला गया, हम तो मालूम भी नहीं था। मेरे बेटी को आगे निकल गया, हम लास्ट निकल के मेरा घर में देख सकते आप। और ये क्या बोलते हैं मीडिया लोग उधर में आया था ना, आने वाला जो हम लोग को यहाँ में दिखना है ना, उधर में भाषण देखे बैठा है, ऐसे क्यों करते हैं, यहाँ में आना है ना, यहाँ में कहाँ में डैमेज है उसमें देखना है, नहीं देख के उधर में घूम के बैठा है, हम उसको गाल देखे भी आया है। ये अरुणाचल गवर्नमेंट कम से कम ये आज का दिन इतना मोदी रिजो का दो नदी लेन स्लाइड होके ये ओवरफ्लो होके इतना आदमी लॉस हुआ है और गवर्नमेंट तो यह विजिट भी नहीं किया। उस तरफ ये एक ब्रिज है उसको तो विजिट किया, हम लोग का उस तरफ संगलो पुतों उस तरफ तो विजिट ही नहीं किया। मोदी रिजो का वो कम से कम विजिट करके वहाँ एक ब्रिज बना देना, दो नदी है। इस वक्त आप यहाँ पे देख रहे हैं मोदी रिजो, जहाँ पे स्टील ब्रिज में खड़े होकर बैठ रहा हूँ। यहाँ पे डिपार्टमेंट भी उस दिन जो इनोग्रेशन किया है, इनोग्रेशन करने का बावजूद में भी हम लोग ने बोला था इनोग्रेशन नहीं करने से पहले अच्छा से वाल सेल बना दो, ऐसे करके ये था, लेकिन आज रात का फ्लोट ने तो पूरा इसको ले गया। और यहाँ का फ्लोट सिर्फ आज ये नहीं है, बहुत सा घर को उखड़ के ले गया है। फिलहाल मेरा घर भी पूरा वाश करके ले गया है, झाड़ू जैसे मारता है वैसे ही ले गया है। तो अभी ब्रिज उस दिन रिसेंटली इनोग्रेशन हुआ था, अभी हफ्ता कुछ हुआ है, ब्रिज पूरा बर्बाद हो गया। अभी गाड़ी आप मीडिया लोग ब्रिज को भी एक बार देख लीजिए बाद में, वहाँ में अभी गाड़ी है मैं अंदर में मोदी जो अंदर में नए नए मॉडल से 15-20 तो गाड़ी फंसा हुआ है और बाइक भी नए नए मॉडल से 20-30 तो ऐसे फंसा हुआ है, अभी जाने के लिए जगह नहीं हो रहा है और इवन आदमी जाने के लिए भी जगह नहीं हो रहा है।
तो अभी हम लोग टेम्प्रेरी सुबह एक तो यहाँ से मेरा यहाँ से बम्बू वम्बू काट के अभी टेम्प्रेरी ब्रिज बना कर रखा है, वो ऐसे से अभी कूद मार कर सकते हैं। अभी गाड़ी पूरा फंसा हुआ है और घर डैमेज, तो पूरा घर तो मेरा तीन भाई लोग का घर और मेरा घर पूरा तीन तो पूरा बर्बाद हो गया, सामान पूरा ऐसे पड़ा हुआ है। तो यहाँ में ऐसा फ्लैट हुआ है कि अचानक बारिश आके सभी का घर और टूटा दिया, कितना का मौत हो गया है और किसी का गाय भैंस ये सब बकरी उखरी भी ले गया, रास्ता उस्ता सब बर्बाद हो गया है। हम लोग का ना खाने का जगह है अभी, ना सोने का जगह है, ना बर्तन है, ना थाली है, ना चावल है, ना दाना है, कुछ नहीं है। इस हालत में हूँ तो सरकार से निवेदन मैं चाहता हूँ, हम लोग को कुछ देखिए। धन्यवाद।